सो हेलो एवरीवन, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का पहला जो लेक्चर है उसमें कंटामिनेट वाटर और पॉल्यूटेड वाटर का बात होता है। तो बहुत बच्चे इसको समझ नहीं पाते कि कंटामिनेट वाटर क्या होता है और पॉल्यूटेड वाटर क्या होता है। तो कंटामिनेट वाटर जो होता है वो कंटामिनेट वाटर पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगी अच्छे से। कंटामिनेट वाटर कैन बी नेम्ड एज पॉल्यूटेड वाटर, ओके, बट एवरी पॉल्यूटेड वाटर कैनॉट बी कॉल्ड कंटामिनेट वाटर। कंटामिनेट वाटर इफ इन दैट दैट ऑफ वाटर हैवी मेटल्स आर देयर, वी डोंट वॉन्ट इन ड्रिंकिंग पर्पस या वाटर, सो दैट टाइप ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंटामिनेट वाटर। अब मैं इसको हिंदी में समझाती हूँ कि कंटामिनेट वाटर जो होता है जिसमें पॉल्यूटेड वाटर बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब हैवी मेटल्स उसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जिसका यूज़ हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं कर सकते हैं, वी कॉन्ट यूज़। लाइक जैसे कि हैवी मेटल्स में मरकरी है, तो मरकरी अगर वाटर में प्रेजेंट है तो हम उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए कभी यूज़ नहीं करेंगे। एंड सेकेंड थिंग है कि पॉल्यूटेड वाटर का मतलब हो गया कि उसमें कुछ पीएच प्रेजेंट होगा, उसका पीएच होगा, एल्कलिटी होगा, हार्डनेस होगा उसमें कुछ। तो ये जो होते हैं, अब इसको पॉल्यूटेड वाटर क्यों कहा गया, क्योंकि जब ये सब पैरामीटर जो होते हैं लाइक हार्डनेस, पीएच, एल्कलिटी, वो अगर मतलब एक लिमिट से अगर ज़्यादा हो तब वो पॉल्यूटेड हो गया, लेकिन अंडर लिमिट हो तो वो इसको एक लिमिट में हम लोग इसको पीने में यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब दोबारा मैं समझा देती हूँ कि पीएच, हार्डनेस, एल्कलिटी जो होता है वाटर में एक लिमिट तक होना चाहिए, ठीक है, और उससे ज़्यादा हो गया तो वो पॉल्यूटेड वाटर हो गया। तो पॉल्यूटेड वाटर और कंटामिनेट वाटर के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं एक बार और रिपीट करती हूँ कि कंटामिनेट वाटर जो होता है उसमें हैवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं और जिसका यूज़ हम लोग पीने में कभी नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हैवी मेटल्स, जो कि ड्रिंकिंग पर्पज़ में कभी यूज़ नहीं आता। एंड सेकेंड थिंग, पॉल्यूटेड वाटर जिसमें कि हार्डनेस, पीएच, एल्कलिटी प्रेजेंट हो, तो हम उसको ड्रिंकिंग, वो अगर लिमिट तक हो तो वो हमारे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर उससे ज़्यादा हो, उसके रिजेक्शन लिमिट से वो ज़्यादा हो, तब हम उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ में कभी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू।